आज हम वैसे साइंस म्यूजियम जा रहे हैं। अब हर जगह हम साइकिल तो रेंट कर लेते हैं, लेकिन अब बड़ी तेज बारिश हो रही है तो रेन जैकेट पहन के जाना पड़ेगा। इस साइंस म्यूजियम का नाम है नीमो साइंस म्यूजियम, फाइंडिंग नीमो वाला नीमो। तो एक और बुरी खबर, हमें अब पता चला इसमें पहले से बुकिंग करनी थी, टाइम स्लॉट बुक करना था, हमने नहीं किया, तो आज के लिए सोल्ड आउट हो गया साइंस म्यूजियम, अब हम अंदर नहीं जा सकते। तो ये प्लान तो भाई आज के लिए कैंसिल है। इस साइंस म्यूजियम के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रूफ टॉप टेरेस है, जो बिल्कुल ही स्लांटिंग रूफ है, पूरे रूफ को इन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा है, तो रेस्टोरेंट में तो हम जा ही सकते हैं। तो हम सोच रहे थे कहाँ जा सकते हैं, वो दूसरे वंडर म्यूजियम के लिए भी पहले बुक कराना पड़ेगा। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ने लग रहा था पिछले व्लॉग पे, शिवम गुप्ता ने लिखा है कवर फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, और नीचे एक डार्क नाइट BGMI ने लिखा है नेदरलैंड्स रिसेंटली बिल्ड 3D ब्रिज। तो हमने अभी मैंने उसे सर्च करके देखा, एक्चुअली में पास में ही है वो, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, तो वहाँ चलते हैं। चलें? बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, 25 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि 30 की तरह लग रहा है, बिल्कुल फालतू में जैकेट ले आए। Here we have a shop that sells only rubber ducks. As far as you can see, you even look like a rubber duck with your yellow jacket. You fit right in. Okay, I even found one that looks like you. Check the red glasses. यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बर्गर ATMs की तरह, मतलब अपना बर्गर चुनो, पे करो और निकल के आ जाएगा, ये दिख नहीं लग रहा है। Oof, this weather. Should we go and eat? Rain. Yeah, I know it's raining, but should we go and eat? Rain. Oh. ये बीच वाली बिल्डिंग है, ऐसा लग रहा है दब गई हूँ बिल्कुल इसके अंदर आकर। टिल्ट देखो इसमें दिख रहा है, ये इस तरफ टिल्ट कर रही है, ये वाली और भी इस तरफ टिल्ट करने लग रही है, लेकिन ये स्ट्रेट खड़ी है, और ग्राउंड भी इस तरफ। You know how some things are really ugly but really expensive? This is some things. 2000 euros. That's, what is this? That's almost 2 lakh rupees, this small piece of lamb. But what is this? And look at this, what is this? Why 1 lakh rupees for this? If I have 2 lakh rupees lying around, I won't buy this lamb. This is the place where most people take photos of Amsterdam, because this is like a typical photo you see of Amsterdam. काफी ज्यादा ट्रैश है। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। तो ये रहा दोस्तों दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा, चल के देखते हैं। How is it, the material? Steady. It feels very hollow, right? Yeah. इसकी शेप सही में ही बहुत वियर्ड सी शेप है, देखो कैसे कर्व हो रहा है यहाँ पर, और वहाँ से ऐसे वेव्स आ रही हैं, और वो वाला पॉइंट देखो इस ब्रिज का, ऐसे कर्व्स करना नॉर्मल ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल नहीं है। और ये पूरा का पूरा ब्रिज एक्चुअली में एक सिंगल स्ट्रक्चर है,
कोई अलग अलग पार्ट्स नहीं है इसके। जब इसे प्लेस किया जा रहा था यहाँ पे, पूरे के पूरे ब्रिज को ऐसे लाकर यहाँ रखा गया था। और देख सकते हो कैसे ये नॉर्मल स्ट्रीट के साथ मिलने लग रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है। ये देख रहे हो ना, ये स्टील है और ये पत्थर है। थोड़ा इट लुक्स अ बिट वियर्ड। And in fact, it is only here temporarily because it will be removed in about 2 years. Yeah, and it's only been 10 days since they opened it and it's already so dirty here. सिंगल पीस में होने के बावजूद भी यहाँ पर वेल्डिंग की लाइनें दिखने लग रही हैं। तो पता नहीं काम कैसे किया है इसका कंस्ट्रक्शन, जब क्लियरली ऐसी लाइनें दिख रही हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस ब्रिज में सेंसर्स लगे हुए हैं, तो ये पूरा मॉनिटर करेगा कि कौन लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पे क्या असर पड़ रहा है उससे। तो वो देख सकते हो इलेक्ट्रिकल बॉक्स वहाँ लगा हुआ है। फाइनली अब ब्लू स्काई निकल गया है, आसमान साफ हो गया, अब बड़ा सुहाना सा मौसम हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ के कनाल्स और घर बड़े सुंदर हैं, लेकिन एक दिक्कत है कि आप डिफरेंस नहीं बता सकते। पता नहीं लगता कि आप कौन से कैनाल में खड़े हो। ये जो कैनाल है, इसके बगल वाला जो कॉर्नर है वो कैसा दिखता है, फ़र्क क्या है इनके बीच में, बड़ी आसानी से गुम हो सकते हो यहाँ पर, पता नहीं लगेगा। लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बना रखे हैं हर जगह, और हर कोने कोने पे ऐसे फूल दिखेंगे आपको। ये जो है, ये वैसे सुसु करने की जगह है, आदमियों के लिए है, औरतें यहाँ पर नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी बदबू आती है यहाँ से। हर कैनाल के कोने पे आपको ऐसे हाउस बोट्स भी मिलेंगे जहाँ पर लोग एक्चुअली में रहने लग रहे हैं इनके अंदर। ये जो घर है यहाँ पे, एक बड़े टिपिकल हैं वाइट स्ट्राइप्स के साथ। काफी घरों में ऐसा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। आइटम है जो एम्स्टरडेम में बहुत ही कॉमन है, हर दूसरे कोने कोने पे मिलेंगे। एक है फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, दूसरे हैं वॉफल्स एंड व्हाट एल्स, फ्राइज एंड वॉफल्स आई वुड से। यहाँ पीछे एक सिनेमा है जिसको इन्होंने मोस्ट ब्यूटीफुल सिनेमा का यहाँ पीछे एक सिनेमा है जिसे इन्होंने लिखा है ये मोस्ट ब्यूटीफुल सिनेमा इन द वर्ल्ड है। मेरा बड़ा मन था जाने का, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बाहर से देखो पता लग जाएगा कि इसे ऐसे नाम दिया हुआ है। साइड में एक चीज टेस्टिंग रूम भी है जिसमें ढेर चीज रखी हुई है। अंदर जाकर इसकी सीटें बिल्कुल किसी ओपेरा हाउस की तरह लगती हैं। You know, cycling is all fun, but you really gotta make sure that your cycle tire doesn't get stuck in one of these here. That will be fatal. Yep. And that you don't get run over. तो overall मैं कहूँगा Amsterdam मेरा शायद one of the favorite शहर है, Juli का भी। मैं already यहाँ पे दो बार आ चुका हूँ, दोबारा आने में कोई दो बारी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। आज हम यहाँ भी गए थे Amsterdam Dungeon में, बड़ा ही horror thriller experience है, लेकिन अंदर वीडियो लेने का फायदा नहीं था, सब अंधेरे में था, लेकिन कुछ